Hello, my name is Mini Sethi. Today I will describe what Mary's model of managerial enterprise. I try to make this model simple as much as possible. Okay, अब Mary's क्या बोलते हैं? देखिए, ownership और management क्या होते हैं? Different होते हैं. बड़े-बड़े organization में ownership और management क्या होते हैं? Different होते हैं. Means company का owner कोई और होता है और company को manage करने वाला कोई और होता है. ओके अब क्या होता है जब ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग है तो दोनों के गोल्स भी क्या होते हैं अलग अलग होते हैं. जो मैनेजमेंट है उसका गोल होता है कि उसकी प्रेस्टीज हाई हो, उसकी सैलरी हाई हो, उसकी जॉब सिक्योरिटी हो. ओके उसे रिस्पेक्ट मिले, उसे प्रमोशन मिले, ये मैनेजमेंट का गोल होता है. जबकि हम शेयर होल्डर्स की बात करें या फिर ओनर्स की बात करें, उनका मोटिव होता है कि कंपनी का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, उन्होंने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया उसके बदले में उनको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, ये मोटिव होता है ओनर्स का. अब मैरिज क्या बोलते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव बैलेंस ग्रोथ रख ले तो इसके थ्रू वो दोनों के ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई कर सकता है, दोनों के यूटिलिटी को सेटिस्फाई कर सकता है. मैरिज क्या बोलते हैं, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बैलेंस ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन है तो उस बैलेंस ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन के थ्रू हम ओनर की यूटिलिटी को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं, हम मैनेजमेंट की यूटिलिटी को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो बैलेंस ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो आपको जीडी और जीसी इसे मैक्सिमाइज करना पड़ेगा. जो कंपनी की बैलेंस ग्रोथ है, जी क्या है यहाँ पे, बैलेंस ग्रोथ, वो कहते हैं कि कंपनी की बैलेंस ग्रोथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीडी और जीसी की ग्रोथ करनी पड़ेगी. ओके अब जीडी क्या है, जीसी क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे जी क्या है, बैलेंस ग्रोथ. ओके वो कहते हैं अगर आपको बैलेंस ग्रोथ करनी है तो आपको जीडी और जीसी को भी ग्रो करना पड़ेगा. अब यहाँ पे हम जीडी की बात करें तो जीडी का यहाँ पे मतलब लिख देती हूँ. जीडी का मतलब यहाँ पे है, जीडी आपका रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ फॉर डिमांड ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ फर्म, पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ फर्म, एक फर्म के पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड. वो कहते हैं कि अगर एक फर्म के प्रोडक्ट की ग्रोथ होगी तो उसे उन्होंने रिप्रेजेंट करा है जीडी से. अब जीसी की बात करें तो जीसी क्या है, ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई, ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई. वो कहते हैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बैलेंस ग्रोथ, जी क्या है, बैलेंस ग्रोथ, बैलेंस ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है तो उसे जीडी और जीसी को ग्रो करना पड़ेगा. मींस आपकी बैलेंस ग्रोथ वहां पर होगी जहां पे आपके जीसी और जीडी एक दूसरे के बराबर है. मींस आपका जीडी बैलेंस ग्रोथ के लिए आपके जीडी और जीसी को एक सेम रेट से बढ़ना पड़ेगा. अगर ये सेम रेट से बढ़ रहे हैं, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ रहे हैं, तो वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस ग्रोथ होगी. मैरिज क्या बोलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना ऑब्जेक्टिव बैलेंस ग्रोथ रखना, और बैलेंस ग्रोथ वहां पे होगी जहां पे जीडी बराबर होगा जीसी के. ओके यहां तक हमें समझ में आता है. ओके अब ये जो जीडी है वो किसका यूटिलिटी फंक्शन है, वो जीडी आपका मैनेजमेंट यूटिलिटी फंक्शन है. मैनेजमेंट यूटिलिटी फंक्शन क्या है, जीडी. ओके जीडी किसका फंक्शन है, मैनेजमेंट यूटिलिटी फंक्शन का है. मैनेजमेंट जीडी को बढ़ाना चाहेंगे. मैनेजमेंट जीडी को क्यों बढ़ाना चाहेंगे, जीडी का मतलब क्या होता है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी डिमांड कंटिन्यू बढ़ रही है, मींस आपकी सेल बढ़ रही है. अब जिस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, जिस कंपनी की सेल कंटिन्यू बढ़ रही है, तो इसका मतलब है उस कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है, उस कंपनी के मैनेजमेंट की बहुत प्रेज होती है. जिस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड क्या कंटिन्यू बढ़ रही है, मींस वो कंपनी को इस तरह से मैनेज कर रहा है, इस तरह से आइडिया जनरेट कर रहा है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कंटिन्यू बढ़ रही है. इसलिए मैनेजमेंट क्या चाहता है, मैनेजमेंट क्या चाहता है, उसकी सैलरी हाई हो, उसको प्रमोशन मिले, उसका प्रेस्टीज हाई हो, तो मैनेजमेंट जीडी को बढ़ाना चाहेगा, वो जीडी की ग्रोथ चाहेगा. वो चाहेगा कि कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड कंटिन्यू बढ़े ताकि उसकी सैलरी बढ़े, उसका प्रेस्टीज हाई हो, उसको प्रमोशन मिले. दूसरी तरफ जो ओनर का यूटिलिटी फंक्शन है, ओनर के यूटिलिटी फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो है जीसी का फंक्शन. ओनर चाहे तो कैपिटल की सप्लाई बढ़े ताकि ज्यादा से ज्यादा कैपिटल हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट को बढ़ा सके, ज्यादा इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सके, ज्यादा प्रॉफिट को बढ़ा सके, और उनको ज्यादा से ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट के बदले में रिटर्न मिले. जो मैनेजमेंट जो ओनर है वो चाहेगा सप्लाई ऑफ कैपिटल बढ़े. ओके
अब बैलेंस ग्रोथ में क्या है, आप दोनों के मोटिव को सेटिस्फाई कर सकते हो। आपको क्या करना है, बैलेंस में ग्रोथ करने में आपको कम दोनों की तरफ ध्यान देना है, दोनों को बैलेंस में ध्यान देना है, दोनों सेम ट्रेंड से बने, दोनों सेम लेवल से बढ़े। अगर दोनों सेम लेवल से बढ़ेंगी, जीडी बढ़ेगी तो मैनेजमेंट सेटिस्फाई होगा, जीसी बढ़ेगी तो ओनर सेटिस्फाई होंगे। जब दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उस पॉइंट पे एक ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस ग्रोथ होगी। इसलिए बैलेंस ग्रोथ के लिए जीडी और जीसी का बराबर होना, इक्विलिब्रियम होना बहुत जरूरी है। ओके, तो अब इस अगर डायग्राम की हम फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ठीक है, एग्जाम में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आपको फॉर्म वे में इसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर फॉर्मल वे में हम इसको रिप्रेजेंट करें तो हमें पहले जीडी कर्व चाहिए, फिर हमें जीसी कर्व चाहिए, फिर हम इन दोनों में इक्विलिब्रियम की बात करेंगे कहां पे आपकी बैलेंस ग्रोथ होगी। ओके, अब जो जीडी की बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम जीडी किसका फंक्शन है, जीडी आपका फंक्शन है डी और एम का, ठीक है, जीडी आपका फंक्शन है डी और एम का। ओके, और यहां पे डी क्या है, डी है आपका रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ओके, और आपका एम क्या है, एम आपका है आपके प्रॉफिट मार्जिन, आपके प्रॉफिट मार्जिन, जो आपका एवरेज प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या है, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मार्जिन है वो आपका एम है, डी है डाइवर्सिफिकेशन और एम क्या है आपका एवरेज प्रॉफिट मार्जिन। अब ये डाइवर्सिफिकेशन क्या है, जो ये एक कॉर्पोरेट की ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो वो किसी नई प्रोडक्ट लाइन में एंटर करता है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, बेसिकली एक कॉर्पोरेट की वो स्ट्रेटजी होती है जब वो नई प्रोडक्ट लाइन में एंटर करता है, मीन्स कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता है क्या, या फिर कहीं कोई किसी नई मार्केट में एंटर करता है या कोई नई सर्विस को लॉन्च करता है। और ये डाइवर्सिफिकेशन क्या, दो तरह से हो सकता है, मैरिज के अकॉर्डिंग, मैरिज के अकॉर्डिंग अपने मॉडल में क्लियरली मेंशन किया है, डाइवर्सिफिकेशन मैरिज के अकॉर्डिंग दो तरह का है, एक डिफरेंशिएट डाइवर्सिफिकेशन है, दूसरा इमिटेटिव डाइवर्सिफिकेशन। एक क्या, डिफरेंशिएशन डाइवर्सिफिकेशन है और एक इमिटेटिव डाइवर्सिफिकेशन है। डिफरेंशिएशन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो उसका मार्केट में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन डिफरेंशियल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, आप मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करो जिसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, मींस आपको कंपटीशन प्राइस बार में नहीं जाना पड़ेगा, आपको कम्पीट नहीं करना पड़ेगा दूसरों का, क्योंकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में नया है, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। दूसरी तरफ इमिडिएटली डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो इमिडिएटली डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, आप ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करो जिसके ऑलरेडी बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट है, मींस आपको प्राइस वार लड़ना पड़ेगा, आपको दूसरी फर्म के साथ कम्पीट करना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन दो तरह का हो सकता है, डिफरेंशिएशन डाइवर्सिफिकेशन प्लस इमिडिएटली डाइवर्सिफिकेशन। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन। आई थिंक आपको डाइवर्सिफिकेशन क्लियर होगा, अब हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन की बात के लिए आपको एक बात, सिर्फ इस मॉडल के लिए जो रिक्वायर्ड है, मैं सिर्फ आपको वही कॉन्सेप्ट बताऊंगी, ठीक है। तो आपको क्या समझना है, जो जीडी जीसी को ड्रॉ करने में आपको रिक्वायर्ड है, जो बैलेंस ग्रोथ को दिखाने में रिक्वायर्ड है, हम बस वही मेन मेन कॉन्सेप्ट के यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ओके, अब एम क्या है, वो क्या कहता है, एम का एडवर्टीजमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ, ठीक है। ए क्या है आपकी एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, और ये क्या है आपका आरएनडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो क्या बोलता है, जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है उसका एडवर्टीजमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से नेगेटिव रिलेशन है। अब प्रॉफिट मार्जिन का एडवर्टीजमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से नेगेटिव रिलेशन कैसे, अब ध्यान से सुनना। वो कहता है एवरेज प्रॉफिट मार्जिन और एडवर्टीजमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन कैसे है? अब एक कंपनी के एवरेज प्रॉफिट का, जैसे मान लो कंपनी का एक एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, उस एवरेज प्रॉफिट में अगर वो ज्यादा से ज्यादा, अगर एक कंपनी ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट और रिसर्च पे खर्चा करेगी तो इसका मतलब इसकी कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है तो ऑब्वियसली उसके एवरेज प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दूसरी तरफ एक कंपनी अगर एडवर्टीजमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना खर्चा कम कर देती है तो उसका एवरेज प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मीन्स एक कंपनी को जो प्रॉफिट मिल रहा है, अगर वो ऑब्वियसली अगर रिसर्च एंड रिसर्च पे बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है, एडवर्टीजमेंट में बहुत ज्यादा, एडवर्टीजमेंट कितनी महंगी होती है, आपको एड देने कितनी महंगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, अगर आप रिसर्च एंड डेवलपर और एडवर्टीजमेंट पे खर्चा बढ़ा रहे हो तो आपके प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप एडवर्टीजमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा कम कर रहे हो तो आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हो। ये बात इस
जब हम इसे ड्रॉ करेंगे जीडी कर्व तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, इसे मैंने आपको पहले बताया। ओके, तो अब हम जीडी कर्व को ड्रॉ करते हैं। जीडी किसका फंक्शन है? डी और एम का। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, डाइवर्सिफिकेशन रेट लिख देते हैं, डाइवर्सिफिकेशन रेट, और ये जो आपका जीडी है, ठीक है। आपके जीडी डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ कंपनी, जीडी का मतलब यही है, ग्रोथ ऑफ डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ कंपनी, डाइवर्सिफिकेशन और कंपनी के जो प्रोडक्ट की ग्रोथ है उनमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। शुरू में तो पॉजिटिव रिलेशन होता है, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद आप जैसे जैसे डाइवर्सिफिकेशन करते हो आपके जो कंपनी की ग्रोथ है उस लेवल तक नहीं बढ़ती, आपकी कंपनी की ग्रोथ, कंपनी के प्रोडक्ट की ग्रोथ डिक्लाइन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? शुरू में जब आप डाइवर्सिफिकेशन करते तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में नया है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट मार्केट में नया है, एक टाइम पीरियड के बाद आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी। हम देखते नहीं, पहले जब नए नए मोबाइल मार्केट में लॉन्च होते हैं उनका प्राइस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एक लेवल के बाद कॉम्पिटिटर आ जाते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी ओल्ड हो जाती है, कॉम्पिटिटर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं और हमारे प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देते हैं। यही क्या है, डाइवर्सिफिकेशन, और जो आपके प्रोडक्ट कंपनी के प्रोडक्ट की ग्रोथ है उसका शुरू में तो पॉजिटिव रिलेशन है। यहाँ पे आपका डाइवर्सिफिकेशन रेट आ गया, यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट की ग्रोथ होगी, शुरू में तो पॉजिटिव रिलेशन है, उसके एक लेवल के बाद आके क्या होगा, आपका नेगेटिव हो जाएगी। जैसे जैसे डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा आपके जो कंपनी का प्रोडक्ट की जो ग्रोथ है वो इस लेवल से नहीं बढ़ेगी, वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आ जाएगी। ओके, तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन है D और M का, यहाँ पे M बार इसलिए है, आपका M क्या है, कांस्टेंट है, जो आपके प्रॉफिट मार्जिन है कांस्टेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए, अगर अब ये डिमांड कर्व आपका स्टेबल है, स्टेबल है क्योंकि आपका M कांस्टेंट है, अगर आपके M में चेंज होंगे, आपके प्रॉफिट मार्जिन में चेंज होंगे, तो आपका ये जो GD कर्व है शिफ्ट करेगा। ध्यान से सुनो, जब आपके प्रॉफिट मार्जिन में चेंजेस आएंगे, जो M है उसमें चेंजेस आएंगे, तो आपका GD कर्व शिफ्ट करेगा, ठीक है। अब आपके जीडी और एम में नेगेटिव रिलेशन है, ये कैसा रिलेशन है, जीडी और एम में नेगेटिव रिलेशन, मींस अगर आपका एम बढ़ेगा तो आपका जीडी डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आपका एम कम होगा तो आपका जीडी अपवर्ड जाएगा। इसे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, ध्यान से क्लियरली। मैंने आपको क्या कहा था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इसका प्रॉफिट मार्जिन का नेगेटिव रिलेशन, ओके, मैंने अभी बताया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रॉफिट मार्जिन का नेगेटिव रिलेशन है। जैसे जैसे आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेंगे आपके कंपनी के मार्जिनल जो एवरेज प्रॉफिट है वो कम हो जाएंगे। अब देखो, आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा बढ़ा, जैसे आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा बढ़ा आपका एम कम हो गया, आपका एम तो कम हुआ है लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करने से आपके जो कंपनी के प्रोडक्ट की ग्रोथ रेट है ना वो बढ़ गई है। आप जितना एडवर्टाइजमेंट करोगे, जितनी रिसर्च करोगे, जितनी नई टेक्नोलॉजी लाओगे, उतना ज्यादा आपकी कंपनी का प्रोडक्ट ग्रो करेगा। अब यहाँ पे देखो, आपका प्रॉफिट मार्जिन तो कम हो गया क्योंकि आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा बढ़ा दिया, ठीक है, उससे आपका प्रॉफिट मार्जिन तो कम हो गया लेकिन आपके कंपनी के प्रोडक्ट की ग्रोथ तो बढ़ गई ना। यही कारण है जब आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है तब आपका कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी ग्रोथ रेट बढ़ती है। ओके, ये आपका जीडी है, जीडी वन, ये किसके साथ है, पहले एम वन के साथ है। अब क्या हुआ, जैसे आपके आपका जीडी क्या है, आपका मान लीजिए ये एम कम हुआ, एम कम हुआ तो आपके जीडी अपवर्ड शिफ्ट हो गया। जब आपका एम कम हुआ तो आपका जीडी क्या है, अपवर्ड शिफ्ट हो गया। आपका जीडी अपवर्ड क्यों शिफ्ट हो गया, क्योंकि एम कम हुआ तो इसका मतलब है आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एडवर्टीजमेंट इसमें अपना पैसा बढ़ाया। जब आप एडवर्टीजमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा बढ़ाते हो तो कंपनी का प्रोडक्ट ग्रो करता है। दूसरी तरफ अगर आपका एम बढ़ा तो आपका जीडी क्या होगा, ये डाउन में चला। ओके, पहले आपका जीडी यहाँ है, जैसे आपने आपके प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ तो जीडी अपवर्ड शिफ्ट हो गया, और जैसे आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़े आपका जीडी डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। ओके, तो ऐसे आपने क्या कर लिया, अपना जीडी कर्व ड्रॉ कर लिया। अब हम जीसी ड्रॉ करते हैं, जीसी किसका फंक्शन है, जीसी फंक्शन है ए बार
into F or DM. Okay? अब यहाँ पे A bar क्या है? A bar क्या है? Financial constraint, financial security constraint, financial security constraint. Okay? उसके D आपका diversification और M आपका average profit margin, जिसके बारे में हम discuss कर चुके हैं. Okay? अब क्या है? जो आपकी कैपिटल सप्लाई है उसका और एम का पॉजिटिव रिलेशन. अगर आप अपना कैपिटल कर्व बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा. कैपिटल सप्लाई कर्व बनाएंगे कुछ इस तरह से बनेगा. ओके, ये किसका फंक्शन है? आपका जी सी ए बार एफ डी. ठीक है, अब क्या है? जो आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट है ना, वो आपका क्या है? फिक्स है. क्योंकि जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो आपके मैनेजमेंट के रिस्क एटीट्यूड पे डिपेंड करती है, उसकी परसेप्शन पे डिपेंड करती है कि वो किस तरह से फंड मार्केट से रेज करता है. ठीक है, तो इसे हम फिक्स मान के चलते हैं. इसलिए जो आपका ये कैपिटल ग्रोथ कर्व है, इसमें जो शिफ्टिंग होगी वो एवरेज प्रॉफिट के कारण होगी. जो आपका कैपिटल ग्रोथ कर्व है, जो आपका कैपिटल सप्लाई, जो आपकी कैपिटल सप्लाई का जो कर्व है उसमें जो शिफ्टिंग होगी, ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई का जो कर्व है उसमें जो शिफ्टिंग होगी वो एम के कारण होगी. ठीक है, और एम मीन्स आपके एवरेज प्रॉफिट मार्जिन और ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन. ध्यान रखना, जो डिमांड ग्रोथ ऑफ डिमांड फॉर कंपनी प्रोडक्ट, मीन्स जो हमने पहले डिस्कस किया था, जीडी और एम में नेगेटिव रिलेशन थे, लेकिन जीसी और एम में पॉजिटिव रिलेशन है. ग्रोथ फॉर सप्लाई, ग्रोथ फॉर कैपिटल सप्लाई और आपका एवरेज प्रॉफिट मार्जिन में पॉजिटिव रिलेशन है. ऑब्वियसली जैसे जैसे आपके मार्जिन प्रॉफिट, जैसे जैसे आपके पास कैपिटल ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है, मीन जैसे जैसे आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपके पास पैसा आएगा, ऑब्वियसली आपकी जो कैपिटल सप्लाई है वो आपके पास बढ़ेगी. ओके, तो इन दोनों में क्या पॉजिटिव रिलेशन है. अब क्या होगा? ये आपका जीसी वन कर्व है. ओके, जीसी वन. ठीक है, अब जैसे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं ये ऊपर की तरफ शिफ्ट, और जैसे कम होंगे तो ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, अब मान लो बढ़ रहे हैं तो ऊपर की शिफ्ट होगा, कम होंगे तो ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. इसका प्रॉफिट मार्जिन के साथ क्या रिलेशन है? नेगेटिव पॉजिटिव रिलेशन है, जबकि डिमांड वाले का नेगेटिव रिलेशन था. ओके, अब हम इन दोनों की हेल्प से, हमने शुरू में क्या डिस्कस किया था, जहां जीसी और जीडी मिल जाते हैं वो पॉइंट क्या होता है? बैलेंस ग्रोथ पॉइंट होता है. कंपनी की बैलेंस ग्रोथ के लिए दोनों को, जीसी की और जीडी को बैलेंस में ग्रो करना, एक साथ ग्रो करना, सेम स्केल पे ग्रो करना बहुत जरूरी है. अब हम एक ऐसा कर्व बना लेते हैं जहां हम कंपनी की बैलेंस ग्रोथ को दिखाएंगे. इसके लिए हमें जीसी भी चाहिए और जीडी भी चाहिए. ओके, तो पहले हम जीसी बना लेते हैं, जीडी बना लेते हैं. ठीक है, ये क्या है? जीडी वन, जीडी टू और जीडी थ्री. ओके, इसके साथ हम ये कैपिटल सप्लाई कर्व भी बना लेते हैं, ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई. ओके, इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी. ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट. अब देखो, मान लीजिए हम इनिशियली ए लेवल पे हैं, हम इनिशियली ए लेवल पे, हमने क्या कहा है कि जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो एवरेज प्रॉफिट मार्जिन है जिसे हमने एम से रिप्रेजेंट किया है, उसका कंपनी के जो प्रोडक्ट की डिमांड फॉर कंपनी प्रोडक्ट, ग्रोथ ऑफ डिमांड फॉर कंपनी प्रोडक्ट है, उससे नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई मीन जी से पॉजिटिव रिलेशन है. अब क्या होगा? मान लीजिए आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते हैं, हम शुरू में ए पॉइंट पे, अब आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने से जो आपका ये डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड चला जाएगा, लेकिन जो आपका सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड चला जाएगा. जो कंपनी की ग्रोथ फॉर पर्टिकुलर, ग्रोथ ऑफ डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ फर्म जिसे हमने जीडी से रिप्रेजेंट किया है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने से ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. लेकिन जो कैपिटल सप्लाई है, ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई, वो बढ़ जाएगी. तो हम ए से बी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, हम बी पॉइंट पे आ जाएंगे. फिर मान लीजिए आपके प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ जाते हैं, और बढ़ जाने से आपके जो जीडी है वो और गिर जाएगा, लेकिन जीसी बढ़ जाएगा.
हम सी से सी पे आ रहे हैं। जब इन तीनों पॉइंट को मिला देते हैं तो ये क्या होगा, बैलेंस ग्रोथ ऑफ कर्व होगा। फिर क्या होगी, बैलेंस ग्रोथ क्या होगी, कंपनी की बैलेंस ग्रोथ होगी। और जो ये बी पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आपकी बैलेंस ग्रोथ हायर होती है। ए बी सी और मैं कंपैरिजन करूं तो बी पे आपकी बैलेंस ग्रोथ हायर है, तो ये आपका बी क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ये सिंपल मैरिस मॉडल था, आई थिंक आपको समझ में आएगा।